मतलब देखा जाए तो ये पहला ब्लॉग है जिसमें इतना कुछ हुआ है। मुझे बहुत पसंद आई है। आईफोन रेस शो से लेकर एयरपोर्ट्स 3 लॉन्च होने तक, घर जाने की पैकिंग से लेकर लेट होने तक, घर वालों को सरप्राइज देने तक, देखो मैं इतना हड़बड़ा रहा हूँ ना, मतलब मैं ऐसे बोलना भी नहीं हो रहा है। अरे यार बहुत लेट हो गए, 8:30 बज गए। हेलो वेलकम टू न्यू डे न्यू ब्लॉग। तो कुछ ऐसा हो रहा है भाई, जो हमारे आईफोन में प्रॉब्लम आ रही थी उसे सॉल्व करने के लिए ये देखो रिस्टोर कर रहे हम पूरे आईफोन को। बिकॉज हम कल जाने वाले हैं, तो जाने से पहले ये वाली प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं, क्यों पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा जो कि अरे रुक जाओ बाबा क्या कर रहे हैं, तो दो मिनट तो आपको मुंबई से लेके होम टाउन तक पूरा बड़ा ब्लॉग मिलेगा। तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। तो हमने फॉर्मेट तो कर दिया, हम भूल गए थे कि हमारी ई सिम है, अब वो ई सिम को भी चालू करनी पड़ेगी यार, और तैयारी भी करनी है जितना ये सब दिख रहा है। इसकी सबकी पैकिंग करनी है, इसमें भी पड़ा हुआ है, तो इनकी भी पैकिंग वैकिंग करनी है, ये सब काम अभी पड़ा हुआ है। ये वाला ब्लॉग पुराने मोबाइल से ही दिख रहा है, A71 से, तो माइक वाइक लगा के हम यूज़ कर रहे हैं। क्या धूप है यार, आई होप जल्दी हो जाए तो काम ख़त्म करें, क्योंकि हम लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, 1 से 1.5 घंटे से काम कर रहे हैं। और अभी भी देखो वहाँ पर अटका हुआ है, लैपटॉप गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो अभी भी रिस्टोर हो रहा है, ये रिस्टोर हो जाए इसके बाद में इसी से शूट करेंगे, तो तब मिलता हूँ ठीक है। अभी एक दिक्कत आ गई, आईफोन हमने रिस्टोर मार दिया ठीक है, अब पूरा फ़ोन नए जैसा हो गया। तो नए जैसा फ़ोन होता है तो मैंने पासवर्ड डाल के रखे, सब कुछ डाल के रखा है, तो उसमें OTP आ रहा है, और OTP आएगा अपने जो ओरिजिनल वाला नंबर है उस पर, और उसको मैंने eSIM बना के रखा है। जब तक उस पर OTP नहीं आता तब तक मोबाइल ऑन नहीं होगा, और जब तक मोबाइल ऑन नहीं होगा तब तक eSIM दिखेगी नहीं। अरे यार अभी मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे चालू होता है, 2-3 बार और ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तरीका निकालता हूँ। फाइनली हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, मैंने 2-3 बार रीसेंड किया तो OTP आ गया। मुझे लगा था कि eSIM को वापस से वेरिफिकेशन के लिए डालना पड़ेगा, कस्टमर केयर को कॉल करके फिर से eSIM चालू करवानी पड़ेगी, लेकिन थैंक गॉड eSIM चालू है, और जितना भी अपना पूरा डेटा वेटा था बैकअप हो गया या जो भी चीज़ें हो गई सब एप्लीकेशन भी है, बस वो फिर से इंस्टॉल हो रही है, डाउनलोड हो रही है, तो ये तो चलेगा, बट कुछ गया नहीं, ये अच्छी चीज़ है। तैयारी करनी है, कल सुबह निकलेंगे हम, और अभी तक कुछ भी पैक नहीं हुआ है, तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब कपड़े कैसे क्या है पता नहीं, गर्मी बहुत हो रही थी, फैन ऑन कर दिया है, और अब सेकंड टेक आईफोन से ही लेंगे। वेट भाई भाई भाई, एप्पल का लाइव इवेंट चालू हो गया है, तो हम वो देखने के लिए बैठ गए भाई। हमारी पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं हुई है, सब ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है, काम इतना था, और ये आईफोन सेट होने के बाद में ये हो गया। यहाँ पे हम इसकी ओह माय गॉड, हम एप्पल का इवेंट देख रहे हैं, बोलो मतलब उसके लिए हमने टाइम निकाल दिया है। एक्चुअली हमने एयरपोर्ट्स लिए नहीं थे ना, तो उसका इवेंट है ये, तो आज वो लॉन्च होने वाले, तो देखते हैं हम कौन सा लेंगे। वैसे ये वाले ब्लॉग में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने सोचा ही नहीं था, हमने सोचा था कि पैकिंग वैकिंग कर लेंगे, लेकिन पैकिंग तो हुई नहीं, वो हमें ये पता नहीं था, हमें शाम को ये नोटिफिकेशन आया, तो हमने सोचा चलो अब देख ही लेते, और अभी तक हमारा सब काम वाम हो गया है, तो अब ये चालू तो कर दिया, तो ये आ गए, तो चलो देख के बता दो, बाद में बताऊंगा मैं, चलो ओके। आ गए भाई। मुझे बहुत पसंद आई है, मतलब जैसा मुझे चाहिए होते ना ये उसी टाइप के। चलो बाकी की डिटेल देखते हो, खाना भी खाना है तो खाना वाना खा कर फिर मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग, रात को हम सो गए थे तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाए, और इस ब्लॉग में भाई 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 बहुत लेट हो चुके हम, और देखो दिन हो चुका है, मतलब दिन अच्छा खासा हो चुका है। आपको टाइमिंग बताता हूँ मैं, टाइमिंग क्या हुआ है रुकूँ, देखो 8:21 हो चुके, ब्लॉग डालने का तो टाइम हो गया है, और ब्लॉग अभी तक बना भी नहीं है, क्योंकि रात को हमने बनाया नहीं था, तो वो ऐसा कि ऐसा रह गया है। अभी दिक्कत ये वाली भी है कि अब इस ब्लॉग को बना के एडिट करके डालना भी है, और इस ब्लॉग में बहुत कुछ हुआ है, मतलब देखा जाए तो ये पहला ब्लॉग है जिसमें इतना कुछ हुआ है। आईफोन रेस शो से लेकर एयरपोर्ट्स 3 लॉन्च होने तक, घर जाने की पैकिंग से लेकर लेट होने तक, घर वालों को सरप्राइज देने तक, देखो मैं इतना हड़बड़ा रहा हूँ ना, मतलब मैं ऐसे बोलना भी नहीं हो रहा है। अरे यार बहुत लेट हो गए, 8:30 बज गए, और हमें 10 बजे तक निकलना है,
और उसमें एडिट करके डालना भी है, पैकिंग भी करना है। पैकिंग भी देखो अभी ऐसा ही सब कुछ पड़ा हुआ है, तो चले बिना किसी टाइम वेस्ट के पैकिंग पे लगते हैं, क्योंकि ये पहला ब्लॉग है जो आपको 2 घंटे पहले ही मिलेगा। मतलब जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो ये जो स्टोरी हो रही है ये 2 घंटे पहले की ही हो रही है, क्योंकि फटाक से एडिट करके मैं डाल भी दूंगा, उसके बाद निकलूंगा। तो चले बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं पैकिंग। सीन कुछ ऐसा है कि बैग देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैग को भी नहीं हमने सही किया यार, क्या बोले। चलो निकालते हैं। तो देखो प्रॉब्लम वाली बात ये है कि इसके टायर्स जा चुके हैं, मतलब इसके चक्कों में प्रॉब्लम है। तो वो चक्के अगर निकल गए, अगर इसके टायर्स निकल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। शिट, अब देखते हैं क्या होगा। हमने इसका सेटअप तो कर दिया, तो चलो टाइमलैप्स देखते हैं। अभी तो बहुत काम बाकी है और टाइमिंग हो गया है 8:36, मतलब हमारे पास में सिर्फ 10 मिनट्स बचे हुए। 10 मिनट में मुझे पूरी पैकिंग करनी है और फिर से एडिट के लिए बैठना है, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे हम आ रहे हैं ये अभी तक घर वालों को पता नहीं है, मतलब मम्मी पापा को नहीं पता है, भाई को पता है, लेकिन मम्मी पापा के लिए सरप्राइज है। और अगर उन्होंने ये वाला ब्लॉग देख लिया, जो कि वो ब्लॉग देखते हैं टीवी पे, जो वाला ब्लॉग दिखता है वो देखते हैं, तो अगर ये नया वाला ब्लॉग टीवी पे दिख गया तो फिर सरप्राइज का पोपट हो जाएगा। फिर देखते चलो अभी ये इसमें हो रहा है, अब इसके बाद ही मिलता हूँ। ये वाले ब्लॉग में बहुत कुछ हुआ है, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। मतलब अभी जो ये वाला ब्लॉग चालू होगा कि हम घर से लेके दादर स्टेशन तक वो हमें ट्रेन हमें मिलती कि नहीं सही टाइम पे, ये सब अगले ब्लॉग में आएगा, उसके लिए वेट कीजिए, कल आएगा वो। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले ब्लॉग्स के लिए, कल वाले ब्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते कल वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय बाय। लास्ट बार इसके दर्शन कर लूँगा।